एजुकेशन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और वो क्या लगेगा, कौन सा एरर आपको स्पॉट करना है और वो उसकी जगह पे क्या होना चाहिए वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाला हमारा है, साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बींग्स नियर फ्यूचर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मॉडल ऑब्जरी वर्ब है, पूरा सेंटेंस अगर नहीं पढ़ रहा है आपको, मॉडल ऑब्जरी वर्ब कैन कुड अगर उसके बाद बी लगा है तो बीच में नॉट आ सकता है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ सकता है, कैन नॉट बी या कुड नॉट बी, लेकिन इसके बीच में कोई भी और वर्ड नहीं आ सकता, ये एक साथ ही लगते हैं। कैन बी एक साथ लगेगा, सक्सेसफुली को हम उस साइड कर देंगे। तो इसमें आपका जो होगा सिंपल है, पूरा सेंटेंस से करना पड़े तो इसमें आपका जो होगा एरर आपका बी पोर्शन में है, इसमें आपको लिखना होगा कैन बी सक्सेसफुली। कैन बी सक्सेसफुली होना चाहिए ना कि कैन सक्सेसफुली बी। ठीक है, मॉडल ऑफ जवाब कैन बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, एक साथ ही आता है क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एक साथ आएगा और नेगेटिव होगा तो नॉट आएगा। ये जो है इसका जो अरेंजमेंट जो है वो गलत हो गया, कैन सक्सेसफुली बी कभी नहीं आएगा, कैन बी सक्सेसफुली आएगा। ठीक है, तो एरर आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बी में। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि दीज मैंगोज की बात हो रही है, प्लूरल है तो उस हिसाब से हैव सही है, हैव प्लूरल के लिए लगता है, सिंगुलर के लिए लगता है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, दिस इज राइट। मैंगोज की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग हैव हमारा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा नाउ थर्ड इज ही विन। अब ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें विन नहीं आएगा, या तो वन आएगा या विन्स आएगा। ठीक है, इसमें आप विन की जगह आप कर सकते हैं विन्स, WINS, वो जीतता है कई सारे एकोलेट्स। एकोलेट्स माने जो भी प्राइज या जो भी सम्मान से हमें मिलता है वो एकोलेट्स कहलाता है, तारीफ मिलती है, कमेंट मिलता है एकोलेट्स। तो ही विन्स सेवरल एकोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक, वो म्यूजिक कंपटीशन में बहुत सारे एकोलेट्स, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा कमेंट उसे मिलता है। ठीक है, तो एकोलेट्स इज ही के अकॉर्डिंग हमारा हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें जो भी वर्ब है उसमें एस लग गया। ठीक है, ये तो हमने टेंस में ही पढ़ा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का तो है, वर्ब में एस एस लगेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रणवीर कुड नॉट बेंड। हाँ, एक चीज ये भी गलत है, इसमें तो आपका एरर ए पोर्शन में है, रणवीर कुड नॉट बेंड, बेंड कभी नहीं आएगा, कुड नॉट गो। जब भी मॉडल ऑब्जरी वर्ब का एक और नियम है, मॉडल ऑब्जरी वर्ब जब भी यूज होता है तो उसमें वर्ब बेसिक फॉर्म जो वर्ब का होता है फर्स्ट फॉर्म वो यूज होता है, बेसिक फॉर्म जैसे गो है, गो वेंट गॉन, तो मॉडल ऑब्जरी वर्ब जहां यूज हुआ है, मे माइट शैल विल मस्ट कैन कुड वुड शुड, ये अगर यूज हुआ है तो इसमें बेसिक फॉर्म वर्ब का लगेगा, माने मेन जो फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो ही हमेशा लगता है, सेकेंड फॉर्म तो कभी नहीं लगता। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है तो इट मींस एरर वहीं पे है। हाँ, थर्ड फॉर्म लगता है अगर उसके साथ बी का यूज है, कैन बी तो हो जाएगा डन, कैन बी डन, मस्ट बी डन, वुड बी डन, शुड बी डन, बी अगर आया मॉडल ऑब्जरी के साथ, मॉडल ऑब्जरी वर्ब के साथ अगर बी आया, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, कैन बी, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और अगर बी नहीं लगा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म का तो चांस ही नहीं है, सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका जो एरर है ना, ये आपका ए पोर्शन में, रणवीर कुड नॉट वेंट नहीं आएगा, रणवीर कुड का यूज हुआ है, बी का यूज नहीं हुआ है, तो कुड नॉट गो आएगा, जो बेसिक फॉर्म है वो आएगा गो फर्स्ट फॉर्म, ना कि वेंट। ठीक है, सिंपल सिंपल गलत लगता है। अच्छा, नेक्स्ट इज रणवीर कुड नॉट गो टू द अवार्ड विनिंग एज ही वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म, मालदीव्स में शूटिंग में बिजी था इसलिए वो जा नहीं पाया, तो कुड नॉट। Next is, it is misleading to imagine that computers can think same like human beings. अच्छा, इसमें क्या है? It is misleading में कोई error नहीं, imagine करना ये भी error नहीं है, computers can think, computers सोच सकते हैं, same like human beings ये नहीं होगा आपका error, आपका इस question में है, like का use नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, like का use होता है जब हम compare करते हैं,
कंप्यूटर ही इंसानों की तरह थिंक कर लेता है, सोच लेता है। तो जब हम सिमिलैरिटी बताते हैं तो एज का यूज होता है, ना कि लाइक। कंप्यूटर कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बींग्स, तो उतना ही अच्छा लिखती हूँ जितना मैं। तो यू लाइक राइट सेम एज मी, एज आएगा जब सिमिलैरिटी बताई जा रही है, तो एज आएगा। और जब कंपेयर कराया जाएगा तो कंपेयर नहीं कर रहे यहाँ पे, यू लुक लाइक योर फादर, तो पापा के लुक से और तुम्हारा लुक को हमने कंपेयर किया, तो ये लाइक आ गया। लेकिन यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ पे बोल रहे कि कंप्यूटर भी हमारे तरह सोचता है, ह्यूमन बींग्स की तरह सोचता है। तो ये हम सिमिलैरिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पे लाइक की जगह पे आपका आएगा एज, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। ललिता विल गो, इसमें तो कोई एरर नहीं है। टू सिस्टर्स हाउस, किसके सिस्टर्स हाउस? बहन के घर। ललिता बहन के घर जाएगी, ललिता अपने बहन के घर जाएगी। पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे जो भी है, देखिए यहाँ पे हो गया टू हर। एरर आपका इस पोर्शन में है, यहाँ पे आपका होना चाहिए टू हर सिस्टर्स हाउस। कहते हैं ना, मैं अपने सिस्टर के घर जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू माई सिस्टर्स हाउस। आई एम गोइंग टू सिस्टर्स हाउस नहीं बोलते, टू माई, टू हिज, टू योर, टू हर। लड़की है, क्योंकि ललिता लड़की है तो इस हिसाब से हर आ गया, लड़का होता तो हिज आ जाता। ठीक है, ललिता बिकॉज इज अ फीमेल सब्जेक्ट, तो फीमेल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे जो पोजेसिव जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा हर। ललिता जाएगी अपने बहन के घर, टू सिस्टर्स हाउस नहीं आएगा, टू हर सिस्टर्स हाउस। ठीक है, हर यहाँ पे मिसिंग है, तो आपका एरर जो है बी पोर्शन में। छोटी छोटी जब एरर्स हैं ये आता है, ये ध्यान रखिएगा। अपने बहन के घर, अपने भाई के घर, तो इसमें पोजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए हर, हिज, देयर, ये होना चाहिए। टू सिस्टर्स हाउस नहीं होगा, टू ब्रदर्स हाउस नहीं होगा। अगर लड़का है यहाँ पे ललिता की, लड़का होता तो हेज हो जाता, लड़की है तो हर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हर सिस्टर्स हाउस इज द करेक्ट आपका हुआ। ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, छोटा सा एरर है, ये ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग वॉच करिएगा, जब आप लोगों का एग्जाम में आएगा ये चीजें ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन इज, अनलेस यू डोंट ओबे, जब तक कि, अब तो ये शुरू में ही आपका एरर देख गया, क्योंकि अनलेस जो है वो नेगेटिव है। अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक ना, जब तक ना, कहते हैं ना, जब तक ना तुम मेरा कहना मानोगे मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा। मम्मी लोग बोलती हैं, जब तक ना तुम मेरी बात मानोगे मैं तुम्हें खड़ा नहीं दूंगी। तो जब तक ना, क्योंकि अनलेस नेगेटिव है तो यहाँ पे डोंट यूज नहीं होगा। ये चीज बिल्कुल पूरा सेंटेंस अगर नहीं पढ़ना है आप देखिएगा, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं होना चाहिए। अगर अनलेस के साथ, क्योंकि अनलेस खुद खुद में इट इन इटसेल्फ इट इज नेगेटिव, अनलेस जो वो नेगेटिव है, और अनलेस अगर नेगेटिव है तो उसके साथ अगर नॉट यूज है दैट मींस एरर इज देयर ओनली। तो अनलेस के साथ नॉट नहीं होना चाहिए, नॉट शुड बी रिमूव। तो आपका जो है वो रिमूव तो करना नहीं है, आपको मालूम है ये रिमूव होगा, ये नहीं यूज होगा, दैट मींस एरर आपको टिक करना है, तो ऑप्शन ए पे आपने एरर टिक कर देना है। ठीक है, तो आपका बनेगा अनलेस यू, इसको हम कर देंगे रिमूव, रिमूव, ये कट, ये नहीं आएगा। अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, जब तक कि ना तुम अपने बड़ों का कहना मानोगे तुम अपने लाइफ में सफल नहीं होगे। बड़ों का कहना मानना केवल मानने के लिए नहीं है, बहुत आशीर्वाद मिलता है बड़ों का कहना मानने से, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, उनका प्यार मिलता है, और ये ब्लेसिंग्स बहुत काम आता है लाइफ में, रुपए पैसे से भी ज्यादा काम आता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो अनलेस के साथ आपका आएगा डोंट हट जाएगा, अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, ये आपका सेंटेंस होगा, डोंट जो है वो रिमूव हो जाएगा, डोंट यूज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे मिस्टेक है। अनलेस के साथ जहां भी नॉट डोंट कुछ भी यूज है दैट मींस एरर वहीं पे है, बस टिक कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना पूरा। अच्छा, नेक्स्ट इज, नो सूनर हैड शी, हैड जो है वो ये क्या है, परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद अराइव का जो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका एरर इस पोर्शन में, क्योंकि ये अराइव नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अराइव्ड। हैड के साथ कैसा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, नो सूनर हैड शी अराइव्ड, हैड के साथ अराइव पहुंची नहीं थी कि हर फ्रेंड्स अरेंज्ड रिसेप्शन इन ऑनर ऑफ द इन द बेस्ट रिसॉर्ट ऑफ द टाउन, टाउन में बेस्ट रिसॉर्ट में उसने उसके रिसेप्शन की अरेंजमेंट किया, बंदोबस्त किया।
तो इतना नहीं देखना है, आप देखिएगा जब भी हैड यूज है, हैज हैव हैड, तीन चीजें हैं, हैज हैव प्रेजेंट में यूज होता है, हैड पास्ट में यूज होता है, विल हैव फ्यूचर में यूज होता है, हैज हैव हैड या विल हैव, ये अगर यूज है तो इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा, अगर कुछ और फॉर्म दिया है दैट मीन्स वहां पे गलत है, वही आपका एरर पोर्शन है। तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है दैट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए अराइव्ड, दैट मीन्स नो सूनर हैड शी अराइव्ड दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर द बेस्ट रिसॉर्ट इन द टाउन, ठीक है, ये होना चाहिए, अराइव्ड होना चाहिए ना कि अराइव्ड। Now next, the two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. The two men hai, to uske according were correct hai. Kyunki do ki baat ho rahi hai, was to nahi aayega, were hai, this is correct. Quarreling with one another aur each other mein kya antar hai? One another to use hota hai jab do se zyada logon ki baat hoti hai. Lekin yahan pe do logon ki baat ho rahi hai, jab do logon ki baat hogi to each other aata hai. कभी भी दो लोगों की बात होगी तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे तो ईच अदर आएगा न कि वन अनदर, जब दो से ज्यादा की बात होगी तो वन अनदर, लेकिन यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका वन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका ईच, ईच अदर, तो मिस्टेक आपका यहाँ पे है। क्या होना चाहिए वो भी मैं बताती जा रही हूँ, इसलिए कहीं भी इस तरह का सेंटेंस कुछ और अगर आया, दो लोगों की बात हो रही है और वहां पे वन अनदर दिया है तो आप समझ जाइएगा दो लोगों की बात उसके साथ वन अनदर तो आता ही नहीं है, वहां पे ईच अदर आएगा। और अगर मान लीजिए दो से ज्यादा लोगों की बात बता रहे हैं और वहां पे ईच अदर कर दिया तो भी मिस्टेक है, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है और आपको ईच अदर दे दिया गया तो समझिएगा ईच अदर तो दो लोगों की होती है, दो से ज्यादा लोगों की बात है तो यहाँ पे वन अनदर होना चाहिए। ये चीज कंफ्यूज करने के लिए दिया था और बहुत माइन्यूट एरर्स है ये जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, दोनों की बात होगी तो ईच अदर, दो से ज्यादा लोगों की बात होगी तीन चार पांच जो भी होगा, दो से ज्यादा है तो वन अनदर, यही आपका एरर यहाँ पे रिपोर्शन में हो गया। तो मतलब हुआ द टू मेन वर क्वारलिंग विद ईच अदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, एक ही वॉच को दोनों क्लेम कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि मेरा ही मेरा है, ठीक है। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव द रॉबर्स रैन अवे, अच्छा नो सूनर वाले में यहाँ पे द रॉबर्स पुलिस पहुंची ही नहीं थी कि देन द, यहाँ पे आपका एरर आपका पोर्शन जो है वो सी पोर्शन में है क्योंकि यहाँ पे आपका देन लगना था, then the robbers ran away, पहुंची नहीं थी कि robbers जो लुटेरे हैं वो भाग गए, तो no sooner वाले में ये ध्यान रखिएगा then का यूज जरूर होना चाहिए जब कुछ भी यूज नहीं किया है, यहाँ पे जैसे that है यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हुआ है तो then जरूर यूज होगा, जब भी ये रूल है no sooner के साथ, did है तो did के हिसाब से तो आपका फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये तो करेक्ट है क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, टेंस पढ़े हैं, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दैट मींस दिस इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे देन द रॉबर्स रैन अवे, नो तो आपका होगा द नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स रैन अवे, देन द रॉबर्स रैन अवे न कि द रॉबर्स रैन अवे, तो आपको देन होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं दिया है तो समझ लीजिएगा एरर आपका उसी पोर्शन में उसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी पोर्शन में आपका हो गया एरर, ठीक है, सी पोर्शन में आपका एरर हो गया। फर्स्ट वाले में पोजेसिव प्रोनाउन हर लगना चाहिए था, सेकंड में अनलेस क्योंकि खुद में ही नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट या डोंट डिडंट कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, डोंट माने तो डू नॉट, तो नॉट तो आ गया तो यहाँ पे इसको रिमूव कर, मतलब ये रिमूव हो जाएगा, तो एरर आपका इस पोर्शन में। नो सूनर अब हैड दिया है तो आपका थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, हेड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक है। टू मेन के साथ ईच अदर होना चाहिए, दो लोगों की दो चीजों की दो लोगों की बात हो रही है तो ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा, दो से ज्यादा के साथ वन अनदर होता है। और नो सूनर वाले में देन लगता है, ये रूल में है देन द रॉबर्स, मैं घर पहुंची नहीं थी कि बारिश शुरू हो गई, तो नो सूनर डिड आई रीच माय हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग, देन करके तब आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 10 दिए मैंने, ज्यादा नहीं दूंगी, अब अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे थोड़े थोड़े करके दूंगी जिससे कि आप लोग इसको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़िए, और इसमें जो मैं पर्टिकुलर चीजें जो एरर्स जो बताई उसको ध्यान से सुनिएगा, और उसको उस टाइप के कुछ और क्वेश्चन भी अगर आ सकते हैं आए तो उसको आप स्पॉट कर लीजिएगा इजिली, बस यही चीजें आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी बातें जस्ट स्मॉल थिंग्स यू यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके।
तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, और अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस जो पिछले इयर्स में, प्रीवियस इयर्स में पूछे गए, उन सेंटेंसेस के साथ आऊंगी। इन सेंटेंसेस को पढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि इन सेंटेंसेस को पढ़ के ही हमें गेस हो जाता है कि अच्छा एरर्स कैसे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि यही एरर्स तो होंगे, सब चीजें तो यही है, यही घुमा फिरा के पूछा जाता है। सेंटेंस चेंज कर देंगे लेकिन एरर तो यही ऐसा ही रहेगा, बट अनदर हो गया, ईच अदर हो गया, इस तरह का यही चीजें घूम फिर के आती हैं। ठीक है, टेंस मिस्टेक हो गया, कभी कुछ मिस्टेक हो गया, कहीं प्रोनाउन मिस्टेक हो गया, कहीं पे आर्टिकल मिस्टेक हो गया, ये चीजें घूम फिर के ही आती है। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टू चेक योर सेल्फ, बाय बाय।